हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ओजीवा नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगा। बहुत दिनों से कई व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि एक वीडियो ओजीवा नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर के बारे में रिव्यू देने के लिए, क्या इससे सच में डीएसटी ब्लॉक होता है नेचुरली, क्या इससे बाल झड़ना बंद होता है, क्या इससे नए बाल आते हैं, क्या ये पैटर्न बाल्डनेस पर वर्क करता है, क्या होगा अगर हम बालायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर जो भी योग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम है, अगर हम मिनोक्सिडिल, डर्मा रोलर, ये सब बंद करके सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड रहें, डेली अगर एक कैप्सूल ये लेते हैं तो क्या हमारा डीएसटी ब्लॉक होगा, क्या हमारा बाल झड़ना बंद होगा, क्या हमारे नए बाल आएंगे, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। और हर बार की तरह ये भी कोई पेड प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, यानी कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो अपने विचार खुलकर रखूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर रखूंगा। अगर प्रोडक्ट सही है तो तारीफ़ करूंगा, अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो डेफिनेटली इसकी निंदा करूंगा। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजीवा के दो तरह के नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर कैप्सूल्स अवेलेबल है, एक है प्लेन डीएसटी ब्लॉकर कैप्सूल और दूसरा है डीएसटी ब्लॉकर विद मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। मेरे हाथ में जो है वो है ओजीवा के प्लेन डीएसटी ब्लॉकर, यानी कि इसमें मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 नहीं है। इस डिब्बे में 60 वेजिटेरियन कैप्सूल है और इसका जो MRP है वो है 599 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदते हैं तो ये आपको पड़ेगा 539 रुपीज़ का। ये बॉक्स पैकिंग के साथ नहीं आता है और इसमें कोई लीफलेट यानी कोई बुकलेट इसके साथ है नहीं। पैकेजिंग के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि हमें पैकेजिंग के बारे में नहीं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। और पैकेजिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रिज़ल्ट से लेना देना है, रिज़ल्ट से मतलब है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं जो कि 500 मिलीग्राम की है, तो इसमें है 2.50 किलो कैलोरी, देन फैट है इसमें 0.10 ग्राम यानी कि 100 मिलीग्राम, और कार्बोहाइड्रेट है 0.40 ग्राम यानी कि 400 मिलीग्राम। टोटल हो गए 500 मिलीग्राम। इसके अलावा इस कैप्सूल में कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो इसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल्स है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं है इनके अलावा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है। तो इसमें टोटल 4 इन्ग्रीडियंट्स है। इसमें है पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट्स जो कि 34.09%, देन इसमें है बी साइटोस्टेरॉल एक्सट्रैक्ट जो कि है 27.27%, देन इसमें है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जो कि है 20.45%, और इसमें है स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट्स जो कि है 18.18%। अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें है वेजिटेरियन कैप्सूल शेल, जो कि जो कैप्सूल है उसके जो शेल है वो वेजिटेरियन है, ये बताया गया है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि इसमें पम्पकिन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स में तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिंक भरपूर होता है, देन इस कैप्सूल में क्यों नहीं है, इस कैप्सूल में कोई न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पम्पकिन सीड्स एक्सट्रैक्ट्स है। एक्सट्रैक्ट्स मीन्स जो चीज़ हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ से चाहिए हम वो चीज़ निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। तो इन्होंने, ओजीवा वालों ने क्या किया, पम्पकिन सीड्स से फाइटोस्टेरॉल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं। फाइटोस्टेरॉल जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने से ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है, तो इन्होंने फाइटोस्टेरॉल उससे एक्सट्रैक्ट किया है। देन जो बी साइटोस्टेरॉल है वो भी फाइटोस्टेरॉल के तरह हार्ट के लिए अच्छा होता है और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको कम करने के काम करता है, ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो। इसके अलावा इसमें है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है हेल्थ के लिए कितना बढ़िया है, स्किन हेल्थ, देन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। देन इसके अलावा इसमें है स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट। ओजीवा के हिसाब से ये हेयर फॉलिकल को श्रिंकेज होने से रोकता है, हालांकि मैंने अलग अलग वेबसाइट से कई जगह इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है कि जो स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट है उससे फॉलिकल श्रिंकेज होने से बचता है, जबकि ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि ये एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया है, देन इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला है कि हेयर फॉलिकल को श्रिंकेज होने से रोकता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और जो मेरा एक्सपीरियंस। यस, मैंने इसको 6 महीने तक लगातार यूज़ किया है, डेली एक कैप्सूल लेता था। स्टार्टिंग के जो 2 महीना है
मैंने एक्सरसाइज, योग, बालायाम ये सब नहीं किया, सब कुछ बंद कर दिया ताकि इसका रिजल्ट पता चले कि ये कितना इफेक्टिव है। अब चूंकि काफ़ी सालों से, कई सालों से मैं योग कर रहा हूँ और देन बालायाम से, हेड स्टैंड से इन हेयर्स को मेंटेन करके रखा, तो 2 महीना मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। थर्ड महीने से धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हेयर्स पहले के मुकाबले फिर से थिन आउट होने लगे, खाली होने लग रहे, और यस, मेरे हेयर फॉल पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया है। जो नॉर्मल डेली हेयर शेड्स होते हैं वो तो नॉर्मल होता ही है, वो हो रहा था, लेकिन इस बार जो हो रहा था वो हेयर शेडिंग नहीं था, हेयर फॉल हो रहा था, क्योंकि मेरे बाल थिन आउट होकर झड़ने लगे थे। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो मुझे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा, ना रिजल्ट दिखा। देन मैंने सोचा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस करके भी कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी कई बार पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ऐसा ना हो एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे बाल सही में खाली हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि पहले जैसे फिर से योग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँ, एंड देन अगेन वही वालायाम, नेचुरल जो प्रोसेस है, योगा, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब फिर से स्टार्ट करने लग गया, एंड देन मेरा हेयर फॉल फिर से कंट्रोल हो गया। तो इन शॉर्ट मुझे तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। एंड जो व्यूअर्स है जो मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग ये यूज़ कर रहे थे उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उनको भी इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है। उनको भी जो उनका हेयर कंडीशन है, मिनोक्सिडिल या फिर जो बालायम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, अगर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड रहे तो इससे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो ये फिर किन लोगों के लिए? तो देखिए, मेरे विचार से ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल अभी तक झड़े नहीं हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके फैमिली में बालने से उनके फ्यूचर में बाल झड़ सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ले सकते हैं, जिससे कि शुरुआत से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े या फिर DHT का असर ना हो। लेकिन शर्त ये है कि इसके बावजूद भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, बालायम कीजिए, हेड स्टैंड वगैरह कीजिए, बेसिक जो लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। यानी कि आपको टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, मतलब जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मॉर्निंग सनलाइट कंपलसरी लेना है, 6 से 8 घंटे के बीच सोना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, रेगुलर पर्याप्त पानी पीना है, डेली आपको फ्रूट्स खाना है, सलाड्स खाना है, मॉर्निंग सनलाइट बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, तो मेंटेन होगा। और वैसे भी अगर वो सब आप करते हैं देन आपके हेयर फॉल नहीं होगा। अगर आपका जो हेयर कंडीशन है मेरे जैसे है देन आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, अगर आप प्रॉपरली बालायम रेगुलर करते हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, और जो कि मैंने बताया अगर आप वैसे ही मेंटेन करते हैं नेचुरल तरीके से, टाइम से सोना, टाइम से उठना, पर्याप्त पानी पीना, हेल्दी डाइट रखना, डाइजेशन को सही रखना है, फिट रखना है, एक्सरसाइज करना है, तो आप मेंटेन रख सकते हैं। अब मैं पिछले 3 साल से मिनोक्सिडिल बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल प्रोसेस है और मेरा हेयर अभी भी मेंटेन है। जैसे कि बाकी सब बोलते हैं कि भाई मिनोक्सिडिल छोड़ देंगे तो दुगनी तेज़ी से झड़ता है, तो अब तक मुझे टोटल गंजा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो आप शॉर्ट हेयर देख रहे हैं, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी इसलिए मुझे शेव करना पड़ा, अदरवाइज़ आप रेगुलर देखते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा हेयर खाली हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 90% से कम हेयर्स है तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। अगर आपका कंडीशन ऐसा है तो मैं बोलूँगा प्लीज़ डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, राइट टाइम रहते अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, जो बचे हैं वो तो बचे रहेंगे, ऊपर से न्यू हेयर ग्रोथ होंगे। चाहे वो आपको मिनोक्सिडिल दे, डर्मा रोलर यूज़ करने के लिए बोले, फिनेस्ट्राइड यूज़ करने के लिए बोले, मल्टीविटामिन दे या कीटोकोनाजोल शैम्पू लोशन जो डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए दे, जो भी दे, PRP सेशन लेने के लिए बोले, जो भी ट्रीटमेंट दे, प्लीज़ आप उसको स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ होगा। आप किसी नुस्खे पर मत जाइए। अगर मैं कंपेयर करूँ फिनेस्ट्राइड के साथ तो फिनेस्ट्राइड यस वो DHT को ब्लॉक करता है, इफेक्टिव है, लेकिन उसके कुछ टेम्पोररी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप डॉक्टर से ऑलवेज कंसल्ट करके लीजिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उतना इफेक्ट भी नहीं है, स्टार्टिंग अर्ली फेज में अगर आप यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से भी आप मेंटेन रख सकते हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे जो विचार है वो आपके सामने रखा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से बाकी जो और भी व्यूअर्स है वो कमेंट पढ़कर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आई होप इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल और हेल्पफुल है। ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दूँ
तो आप कमेंट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या फिर लाइक्स आएंगे जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कमेंट के ऊपर, तो मैं उससे ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।